स्वीकार करें या न करें, इस बार देश में चुनावी माहौल पूरी तरह पलट गया है। 400 पार के दावे तो दूर की बात है, इस बार बीजेपी जोड़ तोड़ से सरकार बना ले उसके भी लाले पड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के ज़्यादातर एजेंसीज के सर्वे देश का सट्टा बाजार कह रहा है। और दावा तो यह किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और बिहार में एकाएक जिस तरह चुनावी माहौल में इंडिया गठबंधन ने खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से पूरे चुनाव में मुद्दों की सियासत पर इंडिया गठबंधन बना रहा, और जिस तरह तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, प्रियंका, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की जनसभाओं, रैलियों में भीड़ उमड़ी, बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए गए, उसके बाद एकाएक मीडिया एजेंसीज के सर्वे पलटने लगे। लेकिन देश के सट्टा बाजार ने तो बीजेपी की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। देश भर के तमाम सट्टा बाजारों की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें फलोदी सट्टा बाजार, पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार, कोलकाता सट्टा बाजार, विजयवाड़ा सट्टा बाजार, इंदौर सट्टा बाजार, अहमदाबाद चौखा सट्टा बाजार और सूरत मघोवी, ये वे सभी सट्टा बाजार हैं जहाँ इंडिया गठबंधन को इन चुनावों में बढ़त मिलती दिखाई जा रही है। मतलब सट्टा बाजार यह तय कर रहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है, और इसलिए तमाम जोड़ तोड़ लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, ऐसी सुगबुगाहट है। हालांकि हार जीत का फैसला 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन सट्टा बाजार के इन आंकड़ों को हम इतना हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले चुनावों के अगर देखें तो ज़्यादातर मामलों में ये सटीक रहे हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े जब जब गिरे हैं, सरकार बदली है, और शेयर बाजार के सेंसेक्स ने तो इस टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। शेयर बाजार लगातार नीचे आ रहा है, निवेशक कंटिन्यू अपना पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक करीब 17,000 करोड़ रुपये निवेशक निकाल चुके हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह निवेशकों से अपील कर चुके हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि वे पैसा नहीं निकालें, 4 जून को उन्हीं की सरकार आ रही है, एनडीए की ही सरकार बन रही है, लेकिन निवेशक शायद हवा का रुख इस बार भांप गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि शुरुआती दौर में जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई थी, तब तक विपक्ष का कोई माहौल बनता नहीं दिख रहा था। इंडिया गठबंधन इस मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा, यह भी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम तक तो सभी मान रहे थे कि 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार बना लेगी, बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। और शायद इसीलिए चुनाव से पहले देश के तमाम राज्यों में विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की भगदड़ मच गई थी, होड़ मची हुई थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। कई जगह तो कांग्रेस के नेताओं ने डर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, हार के डर से। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो लहर ही पलट गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने इस बार बड़े इत्मीनान से अपना चुनावी प्लान तैयार किया था और बड़ी मुस्तैदी के साथ उसको एग्जीक्यूट भी किया। अपने प्लान के अकॉर्डिंग गठबंधन के नेताओं ने जहां भी जा रहे थे जनहित के मुद्दों की बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार की बात कर रहे थे, महिलाओं को सीधे आर्थिक राहत देने की खटाखट इस बार चुनाव में खूब गूंजी है। अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही फाड़कर फेंकने की बात राहुल गांधी जहां जहां गए हर जगह उन्होंने ये बात कही है। प्रियंका गांधी ने सहजता से यूपी में सभाएं की और देश के लिए शहादत में बार बार अपने परिवार का योगदान बताया। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की राजनीति पर जोर दिया। तेजस्वी की जुबान पर हर समय युवाओं को नौकरी दिए जाने की बात टिकी रही, और केजरीवाल ने कह दिया कि मोदी सरकार दिल्ली में मिल रही मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और महिलाओं को मिलने वाली निशुल्क बस सेवा को बंद करना चाहती है, और इसीलिए आपके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जबकि बीजेपी के नेता महज विपक्ष पर आरोप लगाते रहे, पूरे चुनाव में यही चलता रहा। खुद पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में नेताओं की फूड हैबिट्स पर बयानबाजी करने लगे। तेजस्वी यादव पर मछली खाकर हिंदुओं को चिढ़ाने की बात कही। विपक्ष पर मंगलसूत्र चुराने का आरोप मढ़ते दिखे। भैंस चुराने जैसे इलॉजिकल बयानों में उलझ गए। ऊपर से जेपी नड्डा के आरएसएस को दिए बयान के बाद आरएसएस नेताओं ने इस चुनाव से दूरी बना ली। हालांकि अभी भी मैं यही कहूंगा कि जनता के मूड का कोई भरोसा नहीं है। 4 जून तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई संशय हैं इन चुनावों में इस बार।
चलो मान भी लें कि विपक्ष ने जोरदार माहौल बनाकर रखा इस बार, खूब भीड़ जुटाई जनसभाओं में, रैलियों में। इस बार राहुल गांधी, अखिलेश और अन्य नेताओं ने खूब माहौल बनाया, लेकिन फिर ये कैसे मान लें कि कम वोटिंग के लिए बीजेपी का वोटर ही जिम्मेदार है, बीजेपी का वोटर ही वोट डालने नहीं पहुंचा, या ये जो कम वोटिंग हुई है बीजेपी के खिलाफ हुई है? आखिर वो कौन सा वोटर है जो वोट डालने पोलिंग बूथ तक इन चुनाव में नहीं पहुंचा? यही सबसे बड़ा संशय है। यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में और महाराष्ट्र तक में ऐसा माहौल देखने को मिला, ऐसा हाल देखने को मिला। चुनावी सभाओं की भीड़ वोटिंग में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई? हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग पर भी खूब आरोप लगने लगे कि जानबूझकर उन इलाकों में वोटिंग को डिले किया गया जिन इलाकों में विपक्षी दलों का वोट बैंक ज़्यादा है। खुद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऊपर टेंशन तो है। लगातार बीजेपी की मीटिंग हो रही है, चुनावों के आखिरी चरण तक माहौल कुछ तो पलट जाए, बीजेपी नेता यह कोशिश में लगे हुए हैं। बैठकों में फिगर सेट करने के लिए जोड़ तोड़ का प्लान किया जाने लगा है, ऐसी चर्चाएं आम हो चुकी हैं। खैर, चुनाव परिणाम जो भी होगा 4 जून तो आपके सामने होगा, देश के सामने होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।